हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय माईट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा पाँचवीं की एड ग्रेड अभ्य पुस्तक हिंदी की जो हिंदी की एड ग्रेड अभ्य पुस्तक मिली है आपको तो मैंने पार्ट एक से लेकर पार्ट चार तक का सम्भु सोल्यूशन करवा दिया था अब मैं आज की इस वीडियो में आप लोग सामने कक्षा पाँचवीं की एड ग्रेड अब हिंदी की पार्ट पाँच कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईदगाह ठीक है आया मैंने तो इस प्रकार से आपको जो स्कूल द्वारा नई वाली बुक, बुक मिली है दो हज़ार चौबीस पच्चीस की तो नई वाली बुक का ही मैं संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ ठीक है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पार्ट पाँच ईदगाह तो ईदगाह तो से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आंसर हमें अपनी बुक में लिखना है भरना है तो पहला प्रश्न लिखा हामिद क्यों प्रसन्न था तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला जिसमें लिखना है आपको दादी अमीना की गोद में सोता था तो इसमें पहले का हो जाएगा एप्शन आपको लिख देना है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो जिसमें लिखा है वह काला घोड़ा है बाक में विशेष शब्द कौन सा है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घोड़ा ठीक है तो विशेष शब्द जो है अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा जिसमें लिखा है आंखों का तारा होना मुहावरे कारत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ प्यारा होना तो इन लाइट का चल लगाते जाना और नीचे उत्तर में लिखते जाना है अगला सातवां जिसमें लिखा लम्हे गांव में किस कहानी कार का जन्म हुआ था तो लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी लिख देंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक पाँच जिसमें लिखा है आप कहाँ जा रहे हैं बाक में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जिसमें आपको राइट का चिन्ह लगा देना क्वेश्चन मार्क का किया जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सॉरी निम्नलिखित दिए गए शब्दों को चुनौत प्रश्नों ने भरना है तो हमारे सामने आगे रिक्त स्थान तो रिक्त स्थान भरना जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर जी शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों में से हमको यहाँ पर खाली खालिस्तान में भरना है तो प्रश्न के बाद छः में लिखा है भ्रातत्व का एक सूत्र समस्त को एक लड़ी में हुए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माओं में क्या हो जाए आत्माओं में तो छठवी में, में कब में भर देना आत्माओं सातवीं में लिखा है अर्थ के आधार पर बाघ कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर बाघ आठ प्रकार के होते हैं कौन कौन जी आपके सामने यहाँ पर है आठ लिख देना है अगला प्रश्न नंबर सात जिसमें लिखा है दादी ने को हामिद यहाँ पर हामिद लिख देना है ठीक है दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी थी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर विवेक शब्द का विलोम लिखिए तो विवेक का उल्टा क्या हुआ अविवेक तो यहाँ पर हमको अविवेक लिख देना है प्रश्न नंबर दस में लिखा है भिस्टी ने पानी पानी मशक में रखा था तो इसमें मशक लिख देना है तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट हो जाएगी अब हम लोग करते हैं अति लघु प्रश्न तो अति लघु प्रश्न आप लोग जानते हैं एक शब्द एक वाक्य में लिखने पड़ते हैं तो पहला प्रश्न लगा है, में एक साथ ही की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं जो ईद गाय में एक साथ जो उसे हम नवाज कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे नवाज ठीक है तो ये नवाज लिख देंगे फिर लगा आप लोग सामने बात जिसमें लगा तबे से रोटियाँ उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है जो तबे से हम जब रोटियाँ उतारते हैं तो किस वस्तु का उपयोग करते हैं तो इसमें चिमटे का इसमें आपको

तो यहाँ पर लिखा हाविद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषता बताई है तो प्रसन्न पंद्रह का रुक कर लिख लेंगे प्रसन्न नंबर सोलह में लिखा निम्न लिखा शब्दों को शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य को प्रयोग कीजिए प्रशंसा लिखा तो शुद्ध रूप का प्रशंसा वो वाक्य प्रयोग लिखोगे आज मेरे पिताजी ने मेरी प्रशंसा की है तो ये हो जाएगा इसका यहाँ

तो इसका आंसर हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि बड़े बुजुर्ग कम कमजोर होते हैं नहीं कमजोर होते हैं वो जाते हैं इस कारण हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए तो प्रश्न नंबर सत्रह का आंसर हो जाएगा प्रश्न अठारह में लिखा हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया तो हमको लिखना हामिद की दादी के प्रति हम दर्दी देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया तो हो अठारह का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर उन्नीस में लिखा है यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते उन चीजों को नाम लिखिए तो आप लगना है यदि हामिद के स्थान पर हम होते तो मेले से नए खिलौने कपड़े मिठाइया खरीद कर लाते और उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर दे। तो ये का हो है, दिया गया चित्र उसके से दस बाघ लिखना है तो चित्र को देखा पहले से ही संबंधित तो कुछ दस बाघ लिखना तो पहला लिखेंगे यह एक मेले का चित्र है ठीक है दूसरा लगेगा इस मेले में कई प्रकार की दुकाने हैं तीसरा लगोगा इस मेले में एक दुकानदार खिलौने बेच रहा है चौथा एक एक और मिट्टी के बर्तन बेच रही है पाँच वाले को एक दुकान में मिठाइयाँ रखी हैं छठ वालों को एक लड़का चिमटा खरीद रहा है तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा वीडियो को रोक कर लिख लेंगे तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा पाँच भी का एड के पर का हिंदी का पार्ट पाँच पूरी तरह से कम्पलीट हो चुका है अगर आप लोग इसके आगे का पार्ट है पार्ट छः उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत